नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है कि आपको पूरा दबोच लेना चाहिए। वेरी अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रही है, वेरी अट्रैक्टिव लेवल पे। और चलिए इसके बारे में मैं और बताता हूँ। अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 9,785 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इस कंपनी पे डेप्थ की बात करें तो डेप्थ ना के बराबर है, मात्र 94 करोड़ का है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अर्निंग पर शेयर आप देखिए 108 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि ये डेप्थ लेने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगर डेप्थ कंपनी के ऊपर अगर डेप्थ होता है तो थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर में चेंजेस होता है। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से देखें तो भी इतना ज़बरदस्त है, 36% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहा है। और प्रमोटर की होल्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रमोटर की होल्डिंग 74.4 है। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.38% का डिविडेंड देती है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। इसके पास देखिए कैश फ्लो, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि देखिए जो यहाँ पे कैश फ्लो है, कैश फ्लो इतना ज़्यादा है कि जो इसने कर्ज लिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इसने कर्ज लिया है उससे बहुत ही ज़्यादा है। मतलब 328 करोड़ का इसके पास अभी फ्री कैश है। तो कर्जा तो कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए ना के बराबर है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी क्वार्टरली इनकम की, तो क्वार्टरली इनकम जो नेट प्रॉफिट आती है लगभग 92 करोड़, जितना कर्जा लिया है उतना। और अगर हम यहाँ पे ईयरली की बात करें तो 273 करोड़ का यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट ईयर का। अगर हम वन ईयर रिटर्न की बात करें तो वन ईयर रिटर्न 255% का है। अगर हम थ्री ईयर की बात करें 21% का CAGR रिटर्न है। फाइव ईयर की अगर हम बात करें तो 36.7% का CAGR रिटर्न है। देखिए अभी यहाँ पे कंपनी तो बहुत पुरानी है लेकिन लिस्टेड नहीं हुई थी, इसीलिए यहाँ पे CAGR रिटर्न नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार आप तो बोल रहे थे कंपनी इतनी पुरानी है तो लेकिन रिटर्न क्यों नहीं दिखा रहा है। इसलिए नहीं दिखा रहा है कि इसका जो लिस्टिंग डेट है वो भी इतना पुराना नहीं हुआ है। ठीक है, जो 5 साल का CAGR रिटर्न था वो तो मैंने आपको बता दिया। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस पे, देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी पे पैसा लगाने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि कंपनी कितना कमाती है। भाई अगर वो कमाएगी तभी हमको प्रॉफिट होगा ना। तो आप ये चार्ट देखिए, ठीक है, ईयर का, और फिर उसके बाद ये नेट प्रॉफिट का आप देखिए। ये नेट प्रॉफिट का चार्ट है, ये देखिए कितनी भयंकर तेजी इस स्टॉक में आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्च 2010 में कितना है,
4 करोड़, मार्च 2011 में 8 करोड़, मार्च 2012 में 14 करोड़, मार्च 2013 में 20 करोड़, मार्च 2014 में 31 करोड़, मार्च 2015 में 45 करोड़, मार्च 2016 में, मार्च 2016 में 51 करोड़, मार्च 2017 में 60 करोड़, मार्च 2018 में 71 करोड़, मार्च 2019 में 101 करोड़, मार्च 2020 में 126 करोड़, मार्च 2021 में 273 करोड़। मतलब ये पर ईयर बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ रही है। अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात कर लें तो ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। देखिए मार्च 2010 में केवल 1.75 था, फिर उसके बाद मार्च 2011 में 3.31, मार्च 2012 में 5.59, मार्च 2013 में 8.04, मार्च 2014 में 12.40, 2015 में, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लगभग 17% 17 रुपये का, मार्च 2016 में यहाँ पे देखिए 20, और मार्च 2017 की अगर हम बात करें तो 23, मार्च 2018 की बात करें तो 30, मार्च 2019 की बात करें तो 40, अगर मार्च 2020 की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 50, और अगर हम बात करें यहाँ पे मार्च 2021 की तो सीधे सीधे 2 गुना से ज़्यादा, 108। तो आप सोचिए इतना ज़बरदस्त ईपीएस बढ़ रहा है। देखिए कभी भी किसी कंपनी का अगर ईपीएस हर ईयर अगर बढ़ते जाए तो ये समझिए कि वो कंपनी मल्टी बैगर बनने जा रही है, और सीधे सीधे आप ये समझिए कि मल्टी बैगर कई गुना कर रही है पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेल्स ग्रोथ की, तो ये भी चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए 10 साल में 14% का सेल्स ग्रोथ था, 5 साल में 16%, 3 साल में 22%। अगर यहाँ में हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम आपको वैसे ही देखने को मिल रहा है, 10 साल में 42% का, 5 साल में 40% का, और 3 साल में 52% का, ठीक है। अगर हम यहीं पे इक्विटी की बात कर लें तो इक्विटी पे अगर हम बात कर लें तो देखिए 10 साल में 31%, 5 साल में 30%, 3 साल में 32%। मतलब जब ऐसे रिटर्न आपको मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी भी ग्रोथ कर रही है, सेल्स भी ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रही है, और रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो भी ग्रोथ हो रही है। मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, ये कंपनी आगे चल के मल्टी बैगर बनेगी, और ये कंपनी बहुत ही पुरानी है इसलिए और भी मल्टी बैगर बनने का इसका चांस है, बहुत ही पुरानी है। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे होल्डिंग की, देखिए किसी भी कंपनी में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम ना देखें तो फिर हमने कुछ ही नहीं देखा, आप समझ रहे हैं। क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न ये होता है कि अगर हम किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उस स्टॉक में हमने तो पूरा वेरीफाई कर लिया कि ठीक है भाई ये स्टॉक बढ़िया है, सब कुछ हिसाब से बढ़िया है। तो जो हमारे दिग्गज हैं वो क्या कर रहे हैं अगर बढ़िया है तो, भाई अगर उन्होंने नहीं निवेश किया है तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा कि नहीं निवेश किया है। अगर उन्होंने निवेश किया है तो कितना परसेंट निवेश किया है, वो चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो
आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर की होल्डिंग 2018 में थी 73.71% की, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, क्योंकि भाई कंपनी तो पुरानी है तो पब्लिक तो छोड़ने वाली नहीं है इस कंपनी को, क्यों छोड़ेगी, क्योंकि रेपुटेड कंपनी है, नामी कंपनी है, तो ये इसलिए नहीं छोड़ी है। देखो बहुत स्लो स्लो बस खाली इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, आप देखिए। और FIs ने देखिए यहाँ पे 1.46% की होल्डिंग है, और DIs की अगर हम बात कर लें तो 1.52% की होल्डिंग है, और यहाँ पे इनको माल ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं माल मिल रहा है, क्योंकि देखिए ना तो प्रमोटर बेच रहा है और ना ही तो पब्लिक बेच रही है, तो जितना जितना इनको माल मिलता है तो धीरे 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 FIs देखिए यहाँ पे माल दबोच रहे थे, अब देख पा रहे हैं। और यहाँ पे DIs भी धीरे 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 माल दबोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई देखिए प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग थोड़ा सा घटाया है यहाँ पे, और यहाँ का अगर आप कंपैरिजन करें तो प्रमोटर होल्डिंग घटाया है, तो वो होल्डिंग किसने लिया है, वो होल्डिंग म्यूचुअल फंड और DIs ने लिया है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जब प्रमोटर ने बेचा तो यहाँ पे उसी के सेम नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप ऐसे देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये चीज़ अगर चार्ट में लगाऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ये चार्ट ये देखिए, और यहाँ पब्लिक ने भी उठाया है माल, ये चीज़ आप देखिए, ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस लाइन को अलग कर दूं, इस लाइन को और इस लाइन को, मतलब ये जो मंथ है अगर मैं इसको अलग करूं तो आपको डिफरेंस देखने को और ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर ने जब होल्डिंग अपनी घटाई तो DIs ने माल उठाया, और FIs ने तो दबा के माल उठाया, क्योंकि उनके पास पहले 1.45% की होल्डिंग थी, और अभी उनके पास कितनी है, 4.14% की होल्डिंग है, ज़बरदस्त, क्योंकि सीधे सीधे इन्होंने लगभग 2.78% या 9% की होल्डिंग उठाई है, ज़बरदस्त होल्डिंग उठाई है, और पब्लिक ने भी लगभग 1% से ऊपर की होल्डिंग उठाई है। तो जो होल्डिंग इनको मिल रहा है FIs को DIs को, वही वो दबोच रहे हैं, और पब्लिक ने बहुत ही अच्छा काम किया, दिल खुश हो गया, क्योंकि इन्होंने माल बेचा नहीं है, दबोच के रखे हैं बस। तो ये स्टॉक अभी ऊपर भागेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या करेंगे FIs DIs, धीरे धीरे और माल वो खरीदेंगे, क्योंकि किसी भी अगर रेपुटेड कंपनी में ऐसी अगर सिचुएशन हो तो उस स्टॉक में क्या होगा, तेजी बनेगी, सीधी सी बात है। और इस कंपनी का नाम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कंपनी का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये बच्चा बच्चा तक जानता है इस कंपनी के बारे में। और चलिए ये वेरी एट्रैक्टिव पे मिल कैसे रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लक्स इंडस्ट्रीज 460 रुपये की तेजी, लगभग 16% तेज है, 16.5%, बहुत ही भयंकर तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और इतना हाई होने के बावजूद भी ये स्टॉक अभी भी आपको एक अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है, वेरी अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे वेरी अट्रैक्टिव लेवल, जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे गिना जाता है, बहुत ही सस्ते दाम पे।
और एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है ना, कंपनी एक्सीलेंट है। देखिए, किसी भी कंपनी का एक क्वालिटी देखते हैं कि उस कंपनी की क्वालिटी क्या है। तो मैंने आपको तो पहले ही बता दिया कि ये कंपनी बहुत ही पुरानी है, और इतनी पुरानी है कि बच्चा बच्चा तक जानता है कि कौन सी कंपनी है, ये क्या बनाती है। ठीक है, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्सीलेंट क्वालिटी का है, ये स्टॉक एक्सीलेंट क्वालिटी मतलब सबसे टॉप। ठीक है, और आपको मैंने बता भी दिया कि ये वेरी एट्रैक्टिव मिल रहा है। तो आप ये ना सोचें कि ये इतना तेज हो गया तो यार अभी क्या करें, माल उठाएं कि नहीं उठाएं, बहुत हाई पे हो गया। आप अभी भी माल दबा के उठा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये वेरी एक्सपेंसिव या एक्सपेंसिव पे ना आ जाए तब तक आपको माल दबा के उठा लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना है कि जब भी ये कंपनी वेरी एक्सपेंसिव पे आ जाए तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है, या तो आपको वहाँ पे कम निवेश करना है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और जो स्टॉक के एनालिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोग छोटे छोटे एनालिस्ट तो नहीं कह सकते, हम लोग एक छोटे आदमी हैं, और छोटे आदमी इतना ज़्यादा एनालिस्ट नहीं कर पाता है कि जो एनालिस्ट बैठे रहते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग दूसरा भी काम करते हैं, और हमें कोई एक अच्छा शेयर मिला तो हम उसकी वैल्यूएशन वगैरह वो सब चेक करते हैं और देखते हैं कि ये स्टॉक कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस करेगा, सब चीज़ देख के हम वहाँ पे फिर निवेश करते हैं। और जो मार्केट के जो एनालिस्ट होते हैं उनका काम यही होता है, जैसे हम लोग कैसे किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, हम उसमें नंबर वन होते हैं। ठीक है, तो वैसे भी जो एनालिस्ट होते हैं वो भी अपने काम में नंबर वन होते हैं, इसीलिए वो रेटिंग देते हैं किसी भी कंपनी के बारे में कि ये कंपनी अभी खरीदारी करने का टाइम है। ठीक है, और इसीलिए वो 33 एनालिस्ट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव की राय दिए हैं, मतलब खरीदारी करने की राय दिए हैं। मात्र एक एनालिस्ट ऐसा है कि जिसने निगेटिव की राय दी है, लेकिन माइनस करके 32 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जिन्होंने खरीदारी की राय दी है। ठीक है, अगर हम एक को माइनस करें तो वहाँ पे 32 एनालिस्ट होते हैं, टोटल तो 33 हैं, लेकिन अगर हम एक को माइनस कर दें कि ठीक है भाई एक निगेटिव बोल रहा है तो इसमें से एक माइनस कर दो। आप हमेशा ये चीज़ को ध्यान दीजिए, और देखिए कभी भी कोई आप अगर स्टॉक ख़रीदना चाहते हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट्स मोजो और screener.com पे आप जाके ज़रूर से ज़रूर रिसर्च करें। हम लोगों का वीडियो देखें या जो भी वीडियो बनाता है आप उसको देखें, लेकिन देखने के बावजूद भी आप खुद से एनालिस्ट करें कि मतलब ये कंपनी मेरे को लेने जैसी है कि नहीं लेने जैसी है। क्यों? क्योंकि देखिए पैसा आपका है और निवेश आपको ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। और चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न दिखाते हैं, इसका जो रिटर्न है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसका रिटर्न देखें तो 5 साल का रिटर्न देखिए लगभग 400% का रिटर्न है। अगर 4 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो 300% का रिटर्न है। 3 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो केवल 68% का रिटर्न है। अगर हम 2 ईयर की बात करें तो 154% का रिटर्न है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 247% का रिटर्न है। एयरटेल डेट की बात करें, देखिए एयरटेल डेट मतलब हो गया 1 जनवरी 2021 से,
1 जनवरी 2021 मतलब ये नहीं कि आप अगर किसी और साल में करेंगे तो 1 जनवरी 2021 से ही करें, ऐसा नहीं है। जो साल चल रहा है उसका जो फर्स्ट मंथ फर्स्ट डे होता है उसी साल से हम एयरटेल डेट काउंट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 जनवरी 2021 से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 100% का रिटर्न दिया है। देखिए 99.79% कोई वो नहीं होता है, इसको हम 100% भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 102% का रिटर्न है। अगर हम 3 मंथ की बात करें तो 87% का रिटर्न है। 1 मंथ की बात करें तो 68% का रिटर्न है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो लगभग 60% का रिटर्न है। हमने आपको बता ही दिया कि 1 दिन का रिटर्न इतना भारी रिटर्न है, ज़बरदस्त रिटर्न है, लगभग 17-16% का रिटर्न है, बहुत ही भयंकर तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस स्टॉक में निवेश करें, और जब भी आप निवेश करें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ निवेश करें और अपनी ही रिस्क पे निवेश करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।